कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से स्वच्छता अभियान के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए थे। उल्लासनगर पैनल क्रमांक एक में शौचालय तो है लेकिन उसके दरवाजे नहीं, नल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं। आइए इस पर लेते हैं एक खास रिपोर्ट। 1 जनवरी को जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में सभी अधिकारियों ने स्वच्छ भारत के तहत जो है एक शपथ ली थी और ये बात कही थी कि शहर को स्वच्छ बनाएंगे। बहरहाल इस तरीके की शपथ जो है शहर में कई बार ली जा चुकी है और हमने तस्वीरें लगातार आपको बताई कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, स्वच्छता की जो है शपथ ली जाती है, लेकिन तस्वीरें क्या होती है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी जो है अच्छी तरीके से देखरेख करनी है, वहाँ पर जो है सुविधाएँ होनी चाहिए। इस समय हम उल्लासनगर के 1 नंबर के धोबी घाट परिसर में, नेहरू नगर परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर यहाँ पे जो शौचालय है, यहाँ के नागरिकों की लगातार हमको शिकायतें आ रही थी कि इस शौचालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं थी। जिस प्रकार से पानी की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण है शौचालय में पानी का होना, लेकिन पानी के यहाँ पे लाइन्स तो दिए गए हैं लेकिन कनेक्शन यहाँ पर पानी के नहीं है, जिसके वजह से जो है नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर जब हमने पास में ही जो कि शौचालय बनाया हुआ महिलाओं का, वहाँ पर भी जाके देखा तो वहाँ पर नल के कनेक्शन तो हैं लेकिन पानी वहाँ पर नहीं है, जिसके वजह से दिक्कतें होती है। वहीं पर दरवाज़ों की यदि बात करें तो दरवाजे जो हैं टूटे हुए हैं। अधिकारी से भी हमने इसमें बात की है, अधिकारी का कहना यह है कि लगाया गया था लेकिन जो है नागरिकों ने निकाल दिया। अब नागरिक इसे क्यों निकाल देते हैं, किस मंशा से निकालते हैं, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन देख रेख की और साफ़ सफाई की जो है पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। रोज़ाना यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या दिक्कतें इनसे होती रही हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे शौचालय को लेकर क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कितने समय से ये समस्या आप लोगों को दूर सका। सर, ये लॉकडाउन के पहले से ये समस्या रही है। जो मटेरियल लगा हुआ है दरवाजे का एकदम थर्ड क्लास का है, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं फंड नहीं है और ऐसे तरह तरह की बात करके सिर्फ टाल रहे हैं। और अभी भी मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, इस पैनल में 4 नगर सेवक हैं। पहली बात तो कोई भी नगर सेवक लॉकडाउन से लेकर अभी तक किसी के यहाँ शकल नहीं दिखी है। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें, ये जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में ये 5 साल चुनाव जीतने के बाद कभी शकल नहीं दिखाते हैं। वोटिंग का समय नज़दीक आएगा तब ये जनता के बीच में जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारी हूँ शहर का, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा से शहर का जनरल सेक्रेटरी 2 बार रह चुका हूँ, मंडल अध्यक्ष से मेरी शुरुआत हुई है, 2 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के, 1 शिवसेना के और 1 RPI का। 4 नगर सेवकों के बीच में वार्ड की ये दुर्दशा है कि ना साफ़ सफाई का कोई ध्यान है, न किसी तरह की कोई व्यवस्था है। तो यहाँ पर मैं दौरा कर रहा था तो जो पुरुष शौचालय है वहाँ पर तो पानी के कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं है जी। तो महिलाओं के इधर पे भी वही दिक्कत थी, जानना चाहेंगे यहाँ पे पानी की किल्लत है, अगर पानी की किल्लत है तो फिर किस तरीके से जो है उपयोग किया जाता है शौचालय का। पानी की किल्लत नहीं है, सिर्फ व्यवस्था की किल्लत है। पानी लोग अपने घर से लेके आते हैं, ये सेंचुरी का नल है जिसमें पानी हमेशा रहता है और ये कनेक्शन भी उधर से ही दिया गया है कि 24 घंटे पानी रहे, टाँकी भी दिया गया है, लेकिन व्यवस्था ही नहीं, व्यवस्थापक नहीं, व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सार्वजनिक शौचालयों की जो कि हालत ख़राब है, बुजुर्ग हैं आपके आसपास में, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है? दिक्कत तो ऐसा है कि पूरे कमला नेहरू नगर में रास्ते टूटे हुए हैं, न तो रास्ता है, न संडास जितने हैं उसकी कोई साफ सफाई है, न कोई नगर सेवक देखने वाले हैं, न कोई पूछने जाते हैं गली में कि हाँ ये मेरा नगर सेवक हमारी ड्यूटी है। तो बहरहाल यदि बात की जाए तो शहर के ये एकमात्र शौचालय नहीं है, लगातार हम आपको कवरेज बताते आ रहे हैं कि शहर के जो विभिन्न शौचालय हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, उनकी परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब है। ऐसे में आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वच्छ शौचालय समिति के सदस्य जो है उनका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। हमने RB यादव जी से जो है फ़ोन पर संपर्क किया और बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर दिक्कतें क्या है, तो उनका कहना ये रहा कि वही फंडिंग का जो है इशू था, अब जो है फंडिंग को लेकर बात की जा रही है, फंडिंग को इस्तेमाल में लाया जाएगा,
जाएगा जिससे जो है इस पर काम किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि जो काम किया जाता है सार्वजनिक शौचालय में जिन मटेरियलों का इस्तेमाल किया जाता है वो जो है काफ़ी नीचे दर्जे के होते हैं, जिसके वजह से थोड़े समय में ही जो है परिस्थितियाँ फिर से जो है उसी प्रकार से हो जाती है। वहीं पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जिस तरीके से जो कि नल की बात की जाए तो यहाँ पर कहना था आरबी यादव जी का कि नल लगाए थे लेकिन लोगों ने निकाल लिया। ये काम भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए कि जब वो सार्वजनिक शौचालय बनाते हैं तो उसकी देखरेख किस तरीके से की जाए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एक नज़ारा ये देखने को मिला कि जो रोजाना सफाई होनी चाहिए थी सफाई यहाँ पर नहीं हो गई है। अब देखना यह है कि 1 तारीख को जो कि शपथ ली गई थी महानगर पालिका में अधिकारियों द्वारा, तो वो शपथ क्या शहर में वाकई में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में स्वच्छता नजर आएगी या फिर इसी तरीके से जो है शपथ ली जाएगी और जो परिस्थितियाँ जो कि बनी रहेगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।